और स्वामी जी का अधूरा जो सपना था बड़े स्वामी जी का कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद समाप्त होना चाहिए और राम जन्मभूमि का निर्माण होना चाहिए, उनके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी ने किया और वो फिर आशीर्वाद से दिखाए। जो कुछ भी 370 राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ है ये सब बड़े स्वामी जी की कृपा है, उनके आशीर्वाद से सब। होगा क्या? आप मुझे एक चीज बताइए, अभी क्या आतंकवाद है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, कहाँ है आतंकवाद? कश्मीर के अंदर रोज बहनों के सुहाग उजड़ते थे, रोज बच्चे नदी में होते थे, रोज खून की नदियाँ बहती थी, रोज पत्थरबाजी होती थी, नहीं होती थी, 26/11 की घटना होती थी, पार्लियामेंट की घटना होती थी, दिवाली से पहले दिल्ली के अंदर आसाम के अंदर बम ब्लास्ट होते थे, नक्सलाइट हमारे जवानों को शहीद करते थे। बताओ आज भारत आतंकवाद से मुक्त हो चुका है स्वामी जी के आशीर्वाद से, अब आतंकवाद नहीं है। घटनाएं होती हैं, वो भी घटनाएं समाप्त हो जाएंगी। अब भारत आज का भारत नहीं, ये कल का भारत नहीं, ये आज का भारत। सर इस कायदे को विरोध किए हुए किलो कोई लोग है ना, वो प्रतिभटन कर रहा है देश भर में, इसको क्या कहना चाहते हैं? कर रहा है इस पौरत्व तिदुपड़ी कायदे को कानून जो नया आया है, सुनिए मेरी बात, यह हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है, यह हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है। कोई बांग्लादेश से आ जाए, कोई पाकिस्तान से आ जाए, कोई अफगानिस्तान से आ जाए, कोई कहीं और से नेपाल से आ जाए, ये नहीं, ये आज का हिंदुस्तान है। आज हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उसका रिकॉर्ड बन चुका है। अब ये हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है, विरोध करने वालों को समझ लेना चाहिए, ये आज का हिंदुस्तान है। और जो नया कानून बना है, आज़ादी के वक्त जब बंटवारा हुआ, महात्मा गांधी जी ने यह लिखा, जो भी पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कहीं भी हो, अगर यहाँ आके रहना चाहता है उसको सहूलत मिलनी चाहिए। तो ये तो महात्मा गांधी जी का सपना पूरा हुआ है। और भारत ये धर्मशाला अब नहीं है, ये आज का भारत है। ये कानून ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई किसी के खिलाफ नहीं है। अगला कानून बन जाना चाहिए, 2 या 3 बच्चे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक कानून, एक बार 2 या 3 बच्चे सबसे अच्छे, ये कानून अगला बनना चाहिए।